एक तो लिख देना आप गोट मांगलोर, गोट मांगलोर नागौर में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका गोटन, दोस्तों गोटन मांगलोर, देखो भाई दो एक जैसे नाम है, गोटन मांगलोर भी है और गोट मांगलोर भी है। भदवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, भदवासी क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा जिप्सम इस इलाके में देखने को मिलती है। फलसूंड को कौन नहीं जानता दोस्तों, फलसूंड यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है फलसूंड का, ठीक है। मदाना नाम से यह भी, मदाना यहां पर भी क्या मिलती है, जिप्सम मिलती है। तो दोस्तों गोट मांगलोर इंपॉर्टेंट है, गोटन मांगलोर इंपॉर्टेंट है, भदवासी इंपॉर्टेंट है, फलसूंड है और मदाना है। वैसे तो और भी बहुत सारे गांव है, जैसे धकोरिया गांव भी है, पीलनवासी भी है ना, उंटी वालिया भी है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। नागौर में इन सभी स्थानों पर क्या मिलती है, जिप्सम मिलती है। अब नागौर के बाद हम थोड़ा सा बीकानेर की तरफ चलेंगे जहां पर क्या मिलती है, जिप्सम। दोस्तों नागौर के बाद दो नंबर पे हम पढ़ेंगे जिप्सम में, जिप्सम कहां, बीकानेर। बीकानेर के अंदर सबसे पहले हम जामसर देखेंगे। दोस्तों जामसर ये सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान कौन सी है दोस्तों, ये जिप्सम की सबसे बड़ी खान बीकानेर के अंदर है, जामसर। इसके अलावा लूणकरणसर में भी क्या मिलता है, लूणकरणसर में भी क्या मिलता है, आप धीरेरा भी कर सकते हैं, धीरेरा आप दुलमेरा कर सकते हैं, आप बिसरासर कर सकते हैं, बिसरासर। दोस्तों इन सभी गांवों में क्या मिलती है, बीकानेर के अंदर जिप्सम मिलती है। दोस्तों धीरेरा के बाद दुलमेरा, बिसरासर, हाँ सांथू गांव जो है वहां पर भी क्या मिलती है, सांथू में और पुगल में, पुगल में सांथू में यहां पर क्या मिलती है, आप कोलायत भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोलायत। और एक गांव पड़ता है सियासर, सियासर या सियासर, बिसरासर और सियासर, और एक हरकासर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों जिनके नाम के पीछे सर लगा हुआ है। दोस्तों देखो बिसरासर, दामसर, बिसरासर, हरकासर, सियासर, जिनके नाम के पीछे सर लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्या है, जिप्सम की खान है और बीकानेर में है। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम नागौर में, मैंने नागौर की सारी जिप्सम की खान आपको बताई। दो नंबर पे मैंने आपको बीकानेर की सारी खान बता दी है, ये सबसे बड़ी खान है जामसर। तीन नंबर पे चर्चा करूंगा मैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में भी क्या मिलती है दोस्तों, जिप्सम मिलती है बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर कौन कौन सा इलाका है, वैसे देखा जाए तो बाड़मेर में उत्तरलाई जो क्षेत्र है और जो कवास क्षेत्र है जहां बाढ़ आई थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और पीर की ढाणी, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें। मैं लिख देता हूं दोस्तों, उत्तरलाई, उत्तरलाई क्षेत्र, कवास क्षेत्र, पीर की ढाणी, पीर की ढाणी। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, पीर की ढाणी का क्वेश्चन आ चुका है कि पीर की ढाणी में कौन सा खनिज मिलता है। याद रखें पीर की ढाणी, कवास, उत्तरलाई और श्योकर भी आप कर सकते हैं, श्योकर। दोस्तों इन सभी जगह पर क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको नागौर, बीकानेर और बाड़मेर तीन जिले बताए। अभी एक हनुमानगढ़ के अंदर भी दो तीन जगह है जहां पर क्या मिलता है, जिप्सम, जिसका क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों यहां इन चारों के बाद में पीर की ढाणी का क्वेश्चन रख लेना, हो सकता है आपके रीट में आ जाए पीर की ढाणी। दोस्तों हनुमानगढ़, वैसे हनुमानगढ़ के अंदर हम जानते हैं कि जैसे ही हम रावसर और पल्लू के बीच में आते हैं तो दो तीन छोटे छोटे गांव मिलते हैं जिसमें बरमसर है, पूरबसर है और खुद पल्लू। दोस्तों ये तीनों गांव जो है वो जिप्सम के लिए है। आप लिख सकते हैं बरमसर, पूरबसर और पल्लू। दोस्तों ये गांव किसके हैं, हनुमानगढ़ के अंदर है। आप यहां बड़ोपल भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ोपल में इतनी ज्यादा नहीं है जिप्सम जितनी इन जिनों गांव में, तो बड़ोपल नाम भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बरमसर, पूरबसर, देखो नाम के पीछे सर लगा हुआ है। जबकि एक दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो किताब थी ना जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इस किताब में एक गांव दिया हुआ है जैसलमेर के अंदर। वैसे दोस्तों मैंने बाड़मेर में आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बाड़मेर में मैंने आपको पीर की ढाणी बताया, पीर की ढाणी, पीर की ढाणी मैंने बाड़मेर बताया। लेकिन जैसलमेर में एक नाम आता है, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। जैसलमेर में नाम है अपीर की ढाणी, अपीर वाली ढाणी। वैसे देखा जाए तो पीर वाली ढाणी है वो, लेकिन उसने किताब में लिखा है पीर, पीर वाली ढाणी। अब ये बात क्यों लिखी है मेरे समझ में नहीं आई बात, जबकि है तो ये पीर वाली ढाणी, ये है इसने क्यों जोड़ दिया। वैसे इस किताब में ये बात लिखी है, लेकिन आप तो एक काम करना, पीर की ढाणी बाड़मेर याद रखना, पीर की ढाणी बाड़मेर, जहां पर क्या मिलता है, जिप्सम, ठीक है। एक बड़ा गजब का क्षेत्र है जिस पर क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों मैंने ये हपीर की ढाणी इसलिए बताया है